नगर निगम में भी बीजेपी कांग्रेस ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी की है। कांग्रेस ने अपने सभी पार्षदों को 9 मील इलाके स्थित एक होटल में रोका है, जबकि बीजेपी अपने पार्षदों को पहले ही गुजरात शिफ्ट कर चुकी है। बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी 3 बसों के जरिए जोधपुर भेज दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मेयर पद के प्रत्याशी और प्रस्तावक ही नामांकन के लिए जोधपुर आएंगे, बाकी सभी पार्षद 9 नवंबर तक गुजरात में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जोधपुर उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। मेयर पद की दौड़ में महराज अंसारी और कुंती परिहार का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं जोधपुर दक्षिण की बात करें तो यहां इंदिरा राज पुरोहित और वनिता सेठ का नाम मेयर पद की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। तो जोधपुर में भी बोर्ड बनाने की कवायद जिस तरीके से, और कांग्रेस का बोर्ड बनना यहां पर तय है। मेयर की दौड़ में जो नाम सामने है उसमें महराज अंसारी का नाम सामने है। वहीं जोधपुर दक्षिण में बीजेपी का बोर्ड बनना इस वक्त तय माना जा रहा है। 50-50 की लड़ाई जो है वो जोधपुर में आकर छूटी है, जहां पर जोधपुर उत्तर में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने के लिए लगभग जो जादुई आंकड़ा है वो हासिल कर चुकी है। जोधपुर उत्तर निगम में कुल 80 वार्ड है, अगर यहां पर बात करें तो मेयर बनाने के लिए 41 पार्षदों की जरूरत है। वहीं कांग्रेस को 53 वार्डों में जीत मिली है, यानी बोर्ड बनना तय और यहां कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है। जोधपुर उत्तर का ये चुनावी गणित है, यहां कांग्रेस का मेयर और बोर्ड तय माना जा रहा है, क्योंकि जादुई आंकड़ा कांग्रेस के पास है। उधर अगर जोधपुर दक्षिण की बात करें तो 80 वार्ड है और इन 80 वार्डों में से मेयर बनाने के लिए 41 पार्षदों की जरूरत है। अब 41 पार्षदों के जादुई आंकड़ों में बीजेपी को 43 वार्डों में जीत मिल चुकी है, यानी स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पास है। 43 वार्डों में जीत हासिल हुई है, बीजेपी यहां पर अपना बोर्ड स्पष्ट तरीके से बना सकती है। बीजेपी का मेयर और बोर्ड बनना यहां पर लगभग तय माना जा रहा है, यानी कि जोधपुर में अलग अलग की जो तस्वीर है दोनों ही बोर्डों में कांग्रेस और बीजेपी के खाते में है। जयपुर की बात करें, वहां का गणित क्या कहता है, 100 वार्डों में से बीजेपी के पास 42 है, 47 वार्डों में कांग्रेस पार्षदों को जीत मिली है, यानी यहां पर पेंच फंस रहा है। 11 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। वहीं मेयर बनाने के लिए 51 पार्षद की जरूरत है इन 100 वार्डों में से। वहीं कांग्रेस को मेयर बनाने के लिए 4 पार्षदों की जरूरत है। कांग्रेस के पास अगर 4 हो तो वो जादुई आंकड़ा यहां पर जुटा लेगी, और दावा यह है कि 5 निर्दलीयों का समर्थन कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस की राह यहां पर यानी जयपुर हेरिटेज में आसान दिख रही है। वहीं बीजेपी को मेयर बनाने के लिए 9 पार्षदों की जरूरत है, यानी ज्यादा पीछे यहां पर बीजेपी भी नहीं है। जयपुर ग्रेटर में कुल 150 वार्ड हैं, 88 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिली।